उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने से पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों की 48 सदस्यीय विशेष टीम के साथ संवाद हुआ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीते 5.5-6 वर्ष में देश दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश ने अपनी नई पहचान बनाई है। प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदली है। आप सभी इस बड़े बदलाव के साक्षी रहे, सहयात्री रहे। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाया तो वो साधु संतों के निशाने पर आ गए। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कुछ ओबीसी एससी संगठन आ गए। इसके साथ लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र पोस्टर लग गया। रामचरितमानस विवाद के कारण सुर्खियों का हिस्सा बने और सवालों से घिरे सपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे, जहां एक बार फिर उनसे वही सवाल पूछे गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाली देना धर्म नहीं हो सकता, धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। रामचरितमानस को बैन करने की मांग को लेकर लगातार सुर्खियों में है स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी अपना बयान जारी कर कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, हम सभी ग्रंथों का सम्मान करते हैं। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी केवल लोगों को मुद्दों से भटका रही है, देश को बांटना चाहती है। जिस तरह से बीजेपी के बड़ बोले नेताओं को मैनपुरी की जनता ने सबक सिखाया, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी जनता। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं। जबकि देखिए हम सब लोग ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इसको तूल दे रहे। ये जो बड़ बोले मंत्री हैं, बड़ बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है हम उनको सिखा देंगे। गाजीपुर पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का महासचिव बनाए जाने को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दगे कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं अखिलेश, इन्हीं लोगों को लेकर 2022 चुनाव लड़े थे और हार गए। साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश सनातन धर्म नहीं मानते तो पूजा करने कहां जा रहे थे, सपा जब सत्ता में रहती है तो सब धर्म मानती है। किस धर्म को मानते हैं? जब सत्ता में रहते हैं तब मानते हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब मान रहे थे। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तब सब धर्म मानती है, अब मानती नहीं है तो पूजा करने कहाँ जा रहे थे। अभी हमने देखा कि कोई काला झंडा उंडा दिखा रहा था तो जा कहाँ रहे थे, पूजवा करने मस्जिद में जा रहे थे कि गुरुद्वारा में कि वहाँ चर्च में जा रहे थे। सनातन धर्म को नहीं मानते तो कहाँ जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावार। राजनेताओं की बयानबाजी के बीच संभल से सपा विधायक का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को लेकर दावा किया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डर रही, उसको डर लगा अभी कि 2024 के अंदर जब वोट खुलेंगे तो समाजवादी पार्टी की 45 से 50 सीटें आ रही, सरकार डगमगा रही है। इस वजह से सारे वो काम कर रहे हैं कि जिससे वो टेरर पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है, उनकी सिक्योरिटी कितनी हटा दी गई हो, हम उनके रक्षक बनकर उनके सामने खड़े होंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, कोई किसी का नहीं। देख लीजिए अब 40-50 साल से कांग्रेस ने राज किया, आज खत्म होगी, कल को ये भी खत्म हो जाएगी।
रेप केस मामले में आसाराम बापू को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू के खिलाफ रेप केस में सजा का ऐलान कर दिया है। शिष्या के साथ बलात्कार के जुर्म में अदालत ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी के सोनी ने इस रेप केस में आसाराम पर 23,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं पीड़िता को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अयोध्या में बन रहे भव्य रामलला मंदिर में प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से लाई जा रही है शालिग्राम शिलाएं। शालिग्राम पत्थर को लाने का सफर 26 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये शिलाखंड 2 फरवरी तक अयोध्या पहुंच जाएगा। नेपाल से अयोध्या तक के सफर में जहां जहां से ये शिलाएं गुजरी वहां वहां भक्तों का हुजूम देखने को मिला। जोशी मठ के बाद कर्णप्रयाग में भी कई मकान भू धसाओं से हुए प्रभावित। 2013 से मकानों में दरार आना शुरू हो गया था, जिसका दोष लोग नई मंडी के निर्माण को दे रहे हैं। लगातार बढ़ रही दरारों के चलते लोग मकानों को खाली कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम सर्वे कर रही जिसमें 50 से ज्यादा मकान प्रभावित हुए।